राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम लाल रंग। बच्चों, हमारे आसपास कितने सुंदर सुंदर रंग हैं, है ना? पीला, लाल, हरा और भी बहुत सारे रंग हैं। आज माला और मुन्नी बाग में खेल रही हैं, रंगों का खेल। भाई सुनते हैं कि वो कौन से रंगों का खेल खेल रही हैं। चीचड़ंग चीचड़ंग बोलो कौन सा रंग। चीचड़ंग बोलो कौन सा रंग, बोलो बोलो। लाल रंग। लाल रंग? लाल रंग कैसा होता है? लाल रंग नहीं जानती, लाल रंग तो लाल ही होता है। लाल रंग तो लाल ही होता है। दादाजी आ गए। अरे माला और मुन्नी, आज क्या खेल खेल रही हो? दादाजी, हम रंगों का खेल खेल रहे हैं। ओ दादाजी, यह लाल रंग की कौन कौन सी चीजें हैं? वो देखो, वो सामने सुंदर सुंदर फूल लाल रंग के ही तो हैं। हाँ दादाजी। दादाजी, लाल रंग का और क्या क्या होता है? लाल रंग की तो बहुत सी चीजें होती हैं। गाजर लाल होती है, टमाटर लाल होता है, अनार के दाने का रंग लाल होता है, अंदर से तरबूज का गूदा भी लाल होता है। सब लाल ही लाल होते हैं दादाजी। हाँ, तो चलो तुम्हें लाल रंग पर एक गीत सुनाते हैं। लाल लाल भई लाल लाल, टमाटर का रंग लाल लाल, लाल लाल है लाल लाल, गाजर का रंग लाल लाल, बोलो क्या है लाल लाल, तरबूज का गूदा लाल लाल, लाल लाल भई लाल लाल, अनार का दाना लाल लाल, लाल दादाजी, सब लाल ही लाल। दादाजी, मिर्च भी तो लाल होती है। हाँ हाँ, मिर्च हरी होती है, पर जब वो पक जाती है तब उसका रंग लाल हो जाता है। दादाजी, जब हम लोग नाना जी के गांव जा रहे थे तो लाल बत्ती होने से हमारी बस भी तो रुक गई थी। अरे हाँ, वाह वाह भाई, तुम्हें तो खूब याद है सब कुछ है? लाल बत्ती होने पर गाड़ियां रुक जाती हैं और हरी बत्ती होने पर चल पड़ती हैं। भाई इसी लाल रंग से तो मुझे एक बहादुर बच्चे की कहानी याद आ गई। कहानी? हाँ? सुनाइए ना दादाजी। अच्छा तो सुनो कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था राजू। क्या नाम था? राजू। एक दिन अपनी माँ के कहने पर वो जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया। जंगल के बीच से रेलगाड़ी के जाने का रास्ता था। अच्छा। वो उसी रास्ते के किनारे किनारे बढ़ता गया बढ़ता गया। आगे जाने पर राजू ने देखा रेल की पटरियां टूटी हुई थी। वो सोच में पड़ गया, क्या वो करे तो क्या करे। तभी उसे दूसरी ओर से रेलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। फिर राजू ने क्या किया दादाजी? राजू रेलगाड़ी की आवाज सुनकर घबरा गया। वो समझ गया कि अगर गाड़ी इस पटरी पर जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। हाँ? गाड़ी पलट सकती है,
बहुत लोग मारे जाएंगे। अरे बाप रे। वो सोच रहा था कि गाड़ी को रोकूं तो कैसे रोकूं। बच्चों, ये बात राजू को मालूम थी कि गाड़ियां लाल झंडी या लाल बत्ती दिखाने पर रुक जाती हैं। अच्छा। बस ये बात ध्यान में आते ही उसे याद आया कि उसकी कमीज भी तो लाल रंग की है। बस उसने झट से अपनी कमीज उतारी और उसे हवा में लहराता हुआ रेलगाड़ी की ओर भागा। अच्छा। दूर से आती रेलगाड़ी के ड्राइवर ने लाल कपड़ा देखा तो उसने गाड़ी धीमी कर दी। राजू के पास आते आते गाड़ी रुक गई। जब ड्राइवर ने राजू से पूछा तो राजू ने ड्राइवर को सारी बात बता दी। धीरे धीरे ये बात सबको पता चली। सब लोग वहां इकट्ठे हो गए और सब ने राजू को खूब शाबाशी दी। अच्छा। सरकार ने इस बहादुरी के लिए राजू को इनाम भी दिया। अरे वाह। तो बच्चों, ये था लाल रंग और राजू की सूझबूझ का कमाल। दादाजी, राजू तो बड़ा होशियार था और लाल रंग भी तो बड़े काम का है। सबको बचा लिया। लाल 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 टमाटर का रंग लाल, लाल 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 गाजर का रंग लाल, लाल 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 तरबूज का गूदा लाल, लाल 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 अनार का दाना लाल। लाल 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 कितना सुंदर रंग है लाल। अब आप सब कार्यक्रम सुनने वाले बच्चे अपने आसपास लाल रंग की चीजों को ढूंढो। ढूंढोगे ना? हाँ भाई। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो ची चड़ंग बोलो कौन सा रंग। लाल रंग। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉक्टर मीरा चौधरी, कलाकार राम मैनी, पल्लवी और प्रिया, संगीतकार विनोद शर्मा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।